ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। आप यहाँ क्या करने आई? अस्मा से मिलना है। किस रिश्ते से? अब तो आपको और मेरा कोई रिश्ता रहा ही नहीं, तो फिर उससे किस रिश्ते से मिलने आई है? कैसी बातें कर रहे हो रोमा? बीमार बेटे की माँ और क्या करे बताओ, निकल गया मुंह से कुछ उल्टा सीधा। और वो किसी की मां नहीं थी। उसने तो अभी आपकी वजह से अपनी औलाद खोई है, उसका एहसास है आपको? अच्छा कर रहे हो बात, भूल गए वो सब? मैंने एक एक निवाला अपने हाथ से खिलाया तुम्हें, रातों को जाग जाग के मैंने सगी मां नहीं बना, सगी मां होती तो इतना बुरा नहीं लगता तुम्हें, पराया होने का एहसास दिला दिया मुझे। अपनी सारी जिंदगी अपनी मरी हुई बहन की औलाद पे जाया करके ये सिला मिला है मुझे। गुड, वेरी गुड। दाफिस मां। सुरैया ही हो? कौन सुरैया? सुरैया लगती हूं मैं? बेवकूफ लोग। साहब चले, जानते हो तुम इन्हें? हाँ जी, इनके घर में मैं काम करता था। जो कल स्ट्रेचर पर रोमान साहब बीवी को लेकर जा रहे थे, ये उनकी वालदा है। आबान? वो इनका बड़ा बेटा है, उन्हीं का खिदमत मैं करता था। वैसे मैम ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, बहुत बुरा। दिखा दूं डॉक्टर साहब? कम तो मेरे साथ भी नहीं किया। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, निकालो, तेज तेज। जी जी मैम। तेज चलाओ, तेज चलाओ।
सकते हैं, इसका मतलब समझते हो? बहुत मुबारक हो सुरैया, पहले ही साल खुदा ने तुम्हारी गोद भर दी, कितना प्यारा है। खुदा की देन है दीन, किसी को दौलत दे देता है, किसी को औलाद, प्यारा है ना? बहुत प्यारा है, तुम्हारा बेटा तो लगता ही नहीं। बिल्कुल मेरा बेटा लगता है। नाक देखो, खाला पर गई है। जी दीप, आपका ही बेटा है, अबान नाम रखा है, कैसा है? दी अबान। अच्छा, पसंद था ना तुम्हें, रख लो, तोहफा है। नहीं नहीं दी, आप से पहले इतना कुछ, रख लो, तोहफा है, अच्छा लगेगा। आज तो सारी कायनात ही तुम पर नछावर करते हैं तो कम है, मां बनी हो। सुरैया एक बात मानोगी मेरी? जी दी, कहिए। हम दोनों बहनें हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, एक साथ रहे हैं, और जब से इस गरीब घर में तुम्हारी शादी हुई है, मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। जी जी, हमेशा दी, आपके तो बहुत एहसान है मुझ पे। आठ साल हो गए मेरी शादी को, औलाद नहीं है मेरी, अपना आबान मुझे दे दो। मेरा बच्चा देख के आ गई? मेरा बच्चा तू बेच के आ गई? नहीं नहीं, बेचा नहीं है, दीख होती है। मेरी इकलौती औलाद अपनी बहन को देके आ गई तू, ये बेचना नहीं है तो और क्या होता है? मैंने उसके साथ अभी ढंग से वक्त नहीं गुजारा था, उसे ठीक से देखा नहीं था, तू मेरा बच्चा बेच के आ गई है। क्या करती मैं, वो मांगा दी ने, मना कैसे करती? अच्छी तरह रखेंगी उसे, अच्छी तरह पालेंगी, अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा उसका, हम क्या दे सकते हैं उसको बताओ? जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है ना, वही मिलता उसको। तू उसका मुकद्दर नहीं बदल सकती। बदल सकती हूँ मैं अपने बच्चे का मुकद्दर, बदल सकती हूँ। अच्छी तरह रहेगा वो, अच्छी तरह रखेंगी, मैं उसे अपनी तरह ही गुर्बत की चक्की में पिसने नहीं दूंगी। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुन ले तू, तेरी दी के घर से मैं अपना बेटा लेकर आऊंगा। हेलो हेलो,
श्याम साहब के घर से बात कर रही हैं? जी मैं थाने से बात कर रहा हूँ। थाना? अजय श्याम साहब का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी जेब से आईडी कार्ड की कॉपी मिली है, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ? किसकी डेथ? आपके शोर है ना इधर जाओ। मेरे शोर है। बहुत दुख के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि एहतजाम साहब की डेथ हो गई। सुरैया अच्छा क्या आ गई, बाहर बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। आपने बुलाया? हाँ खुशखबरी देनी थी तुम्हें। तुम बहुत याद करती हो ना अबान को, ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। नहीं 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 घबराओ नहीं, जो खर्च कर दिया सो कर दिया, वापस नहीं मांगूंगी। और कुछ चाहिए हो तो मांग लेना, मेरे लिए तो अल्लाह की तरफ से मौजजा हो गया है। गोद भर गई है मेरी, मां बनने वाली, खुशखबरी है ना। आबान को भिजवाती, चाहो तो अंदर बैठ जाओ। समीना समीना आबान को बाहर सुरैया को दे दो।
नहीं लेते, ये गंदा होता है, गंदा होता है। सुरैया, सुरैया, कोई एहसास है? इसे अकेला रूम में छोड़कर आ गई पलंग पर, अगर ये गिर जाता इसके सर पर चोट लग जाती तो। नहीं दी सो, ये तुम इसमें लगी हुई हो, आउट आउट। कहाँ? आउट। समीना, समीना कहाँ गई है? उठाओ से, लेकर जाओ बाहर फौरन। कहाँ दी? लेकर जाओ, लेकर जाओ से। दी क्या हुआ? इस दिन के लिए लाई थी तुम्हें इस घर में, मैं ये दे रही हो तुम मेरे एहसानों का बदला? हुँ? मेरे बच्चे को छोड़कर अपने बच्चे के साथ खेल रही हो, वक्त गुजार रही हो, मेरा बच्चा वहां अकेला कमरे में पड़ा है। नहीं, इसलिए लाई थी कि तुम बेवा हो, तुम्हारा बेटा यतीम है, रहम खाकर लाई थी इस घर में, इसलिए नहीं कि यहां आकर तुम अपने खेल खेलो। नमक हराम हो तुम सुरैया, नमक हराम। मैं एक घंटे के लिए कहीं बाहर जा रही हूं, ख्याल रखना इसका। पर्स लेकर आओ मेरा। सदीक, गाड़ी निकालो, जल्दी निकालो गाड़ी, देर हो रही है मुझे। देख, ख्याल रखना। डॉक्टर का जो फोन आया था, उसने कहा है रिपोर्ट ठीक नहीं आई, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। देख रहे हो ये आजमाइश, एक बच्चा जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, सारी जिंदगी की जिम्मेदारी है। आबान के मामले में तो फिर भी उम्मीद है कि शायद वो कभी उठ बैठे, लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा ही ऐसा हो, क्या तुम लोग अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे का मुस्तकबिल इस तरह दांव पे लगा सकते हो? क्या ये ठीक होगा? तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर किसी फैसले पर पहुंच जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है? तो तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मेरी माँ पर शक कर रही हो, तुम कह रही हो वो झूठ बोल रही है। मुंह में अल्फाज मत डाले रुमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट गलत हो, हम दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। और अगर दोबारा यही रिपोर्ट आई तो फिर हम बार बार टेस्ट करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। Come on यार, इतना वक्त नहीं है हम दोनों के पास आया करने के लिए। तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक खेल तमाशा होगा, मेरे लिए नहीं है। And I'm taking it very, very seriously. क्या पूछूं मैं खुद से, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसमें आधे हिस्सेदार हूँ, आधे हिस्सेदार तुम हो। कैसे अपने जिस्म के हिस्से को इस तरह काट के फेंक सकता है? जिस्म के उस हिस्से को काट कर फेंकने में कोई बुराई नहीं होती, जिसके कट जाने से आपकी जान बच जाए। आबान भाई को देखा है ना तुम? कैसे सिसक सिसक के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तुम क्या चाहती हो कि हमारा बच्चा भी ऐसी जिंदगी गुजारे? हम दोनों मर गए तो कौन संभालेगा?
पेड़ा गरक ये कहां से आ गया? मनुष आशिक सूंघता हुआ यहां तक पहुंचा। तेरी गिच्ची तो मैं मरोड़ूंगा यास्मीन, फिक्र मत कर। जी। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और ये कुछ दवाएं हैं डॉक्टर ने डिस्चार्ज स्लिप पे लिख दी हैं, इनको वक्त पे देती रहिएगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो मैं रिसेप्शन पे मौजूद हूँ। थैंक यू। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मगर सच तो यह है कि मैंने तुम्हारा दुख कभी समझा ही नहीं। ये दुख वही समझ सकता है जिसने अपनी औलाद खोई हो। देखो ना, हम दोनों बिल्कुल खाली हाथ रह गए। ये लीजिए साहब। अच्छा आपसे माफी मांगना चाहता था मैं। मैंने आप पर शक किया, आपकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया, छुरी का झूठा इल्जाम भी आप पर लगा और उल्टा मैंने भी आपकी बात पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं साहब, आपने जो कुछ किया अपनी माँ की मोहब्बत में किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आसमा बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आप पर आती है। आप ही बहैसियत शोहर उनके मुहाफिज थे। जो कुछ उनके साथ हुआ ये सब आपने ठीक करना है। अच्छा सर, क्या मैं आसमा बेटी से मिल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, वो अपने रूम में आपसे मिल के बहुत खुश होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो इस हरामखोर को भी मिला लिया इस चोर के बच्चे ने अपने साथ। तो गलत कर रही है, जाति कर रही है। आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी जरूरत कैसे? बार बार मुझे गाली दे रही। माँ के बारे में ऐसा बोला क्या? लेकिन वो मुझे चोर कह रहे हैं। देखिए ये गलत कर रही है। चुप, चुप, चुप। Out! 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 लेटी रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब तुम होश में नहीं थे तो बहुत पूछ रहे थे तुम्हारे, बार बार तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे थे। आप मुझे कहते थे ना, बिच्छू के लिए दरवेश बनो। मुझे तो बिच्छू ने ऐसा डसा कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अफसोस, सद अफसोस बेटी। लोगों पर के जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा। कि बेटी आप कमजोर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। आपने नहीं टूटना, साबित कदम रहना है।
आपकी अच्छाई भी आपकी मजबूती थी और आपका अपने पैरों पे खड़ा होना भी। रोमान साहब की मोहब्बत बेशक सच्ची है, घनी चाँव है, लेकिन बेटी बड़े पेड़ के चाँव में जब पौधे मुरझाने लग जाते हैं तो उन्हें अपनी धूप खुद ढूंढनी पड़ती है, खुद पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। और आपने अच्छा फैसला किया अपने पैरों पे खड़े होने का, बहुत अच्छा फैसला किया। जीती रहो बेटी। सुरैया, सुरैया ही हो तुम। मामा। क्या हो गया आपको? जब से हॉस्पिटल से आई, यू नॉट इन योर सेंसेस। बेकार बातें मत करो अब, मैं ठीक हूं बिल्कुल। यू कंप्लीटली लॉस्ट। बिल्कुल भी नहीं, पीना है तो पियो। मामा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बच्चा रहेगा और ना हो कहीं भाग पाएंगे। काम हो गया। मैम वो क्या? रोमान सर आए हुए। आ गया? जाता कहाँ? इसमें इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या बात है? भेजो उसे। वो उनके साथ पुलिस वाले आए हुए। पुलिस? ज़्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, उस भाई को लेके बाहर आ जाना। क्या हो रहा है ये सब रोमान? पुलिस क्यों लाए हो तुम मेरे घर? आंटी, हम अवान भाई को लेने आए। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों? क्योंकि उसने मेरे बच्चे की जान ली है, इसलिए। पागल हो गए हो? वो कैसे ले सकता है किसी की जान? हमारे पास सारी फुटेज मौजूद है, वो क्या क्या कर सकते हैं वो हम सब देख चुके हैं। लेके आओ उन्हें। रुक जा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने दूंगी उसे। तुम ये रोमान, तुम पागल हो गए हो? एक ग्लास पानी तक खुद नहीं पी सकता वो, तुम्हें पता है अच्छी तरह, उसको 24 घंटे अटेंडेंट की जरूरत है। मैं अपने वकील को फोन करूंगी, मैं केस करूंगी तुम लोगों के ऊपर। कोई फायदा नहीं है मामा। आप समझ क्यों नहीं रही? अब कोई फायदा नहीं, सबूत है इनके पास सारे, FIR कट चुकी है, ये भाई को लेकर जाएंगे यहां से। और अब बेहतर होगा कि आप इनके रास्ते में मत आए। भाई ने मेरी और अस्मा की जिंदगी के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, ये उनके लिए बेहतर है। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मामा, मुझे नहीं जा रहा है। मामा, मामा।
बाहर वेट करूं, भाई को लेकर चल दिया। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा छोड़ो मुझे, फोन लेकर आओ बाबा। बाबा मुझे कहां लेके जा रहे हो? तुम फिक्र मत करो बाबा, ये लोग मुझे मार देंगे। नहीं 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 बाबा, मैं बाबा मैं आ रही हूं बाबा, मुझे कहां लेके जा रहे हो? मैं आ रही हूं बाबा। मेरा बैग लेकर आओ, गाड़ी निकालो। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, कैसे हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। ये था भाई हमारा दिल का दर्द। जी भाई, तुम आदिल हो ना? मुझे बताया था फराज अली ने। अब क्या आगे हाथ जोड़ता, बच्ची और उसके बाप को ढूंढने में मेरी मदद कर दे। पर बेटा देखो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, ये खराब इलाका है बेटा, यहां से बच्चियों बच्चियों को जबरदस्ती मजदूरी कराते हैं ये लोग, और तो और किसी का खून करते भी इन लोगों को कोई आर नहीं होती बेटा। मैं तो कहता हूं कि तुम बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, और मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, वो अपनी मर्जी से आई थी ना। बच्ची अपनी मर्जी से यहां नहीं आई है, उसकी मां तड़प रही है, अगर मैंने उसको नहीं ढूंढा वो मर जाएगी, प्लीज खुदा के लिए मेरी मदद करें। आगे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज खुदा के लिए मेरी मदद करें, मुझे उस बच्ची को ढूंढने। चलो कोई उसकी तस्वीर है तुम्हारे पास? तस्वीर मेरे पास है, दिखाओ। मेरे पास है तस्वीर, देख। यास्मीन, ये मुझे दीजिए, मैं पेमेंट मैं कर देता। थैंक यू। असफल मत करो प्लीज, मैं कर देता हूं ना पेमेंट। भाई ये बोलता है ये हमारे आदमी है, इसने देखी है। तो देखी है? हाँ इसने देखी है, मैं आपकी मदद करता हूँ, मेरा थाने में कोई है, मैं उनसे बात करता हूँ, आप इत्मीनान करें, मैं देखता हूँ। हाँ बेटा, कैसे हो एहसन? हाँ हाँ बस अपनी लगन में, आप सुनाएं। गुजारिश करनी थी वो। जी जी हाँ, कुछ बंदे आए हैं, बस यार क्या करना है। कैसे बताऊं इसको, तेरी गोद तो जड़ गई है मां बनने से पहले। रमान कहां जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। आई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा है।
ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली।